अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो रेलवे की तरफ से बड़ी खबर सामने आई है। रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियम में बड़ा बदलाव किया है। भारतीय रेलवे ने 1 नवंबर से ट्रेन की एडवांस टिकट बुकिंग की समय सीमा को 120 दिन से कम कर 60 दिन कर दिया, यानी अब 60 दिन से पहले रिजर्वेशन करा सकेंगे। नया नियम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पर लागू होगा। रेलवे के इस फैसले से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान, ये समझना होगा। इस फैसले के नफा नुकसान को समझने के साथ साथ कैंसिलेशन के नियम को समझना होगा। रेलवे ने टिकट रिजर्वेशन की समय सीमा को घटाने के पीछे कई कारण गिनाए हैं। रेलवे के मुताबिक ज्यादा कैंसिलेशन और सीटों की बर्बादी को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। रेलवे ने बताया कि 120 दिन की एडवांस रिजर्वेशन पीरियड काफी लंबा है। देखा गया है कि जिन लोगों ने इस टाइमलाइन में बुकिंग किया है उनमें 21% लोगों ने टिकट कैंसिल करवा दिया। वहीं 5-6% लोग टिकट बुकिंग के बावजूद सफर कर पाते हैं और सीटों की धोखाधड़ी बढ़ जाती है। सिर्फ 13% लोग हैं जो 120 दिन पहले टिकट की एडवांस बुकिंग करते हैं। अधिकांश लोग 45 दिन पहले टिकट बुकिंग करते हैं। 120 दिन की समय सीमा से लोगों के पास पर्याप्त समय रहता है रिजर्वेशन के लिए। जो लोग पहले से प्लान बनाकर रिजर्वेशन करते हैं उनके पास ट्रेनों के पर्याप्त विकल्प और सीटों की अधिक उपलब्धता होती है। वहीं जो लोग बाद में प्लान बनाते हैं उन्हें अब सीट मिलने का चांस बढ़ जाएगा। हालांकि फेस्टिव सीजन के दौरान रिजर्वेशन विंडो कम होने से टिकटों की मारामारी बढ़ जाएगी। रिजर्वेशन की समय सीमा घटाने से रेलवे को सबसे ज्यादा फायदा स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाने में होगी। रेगुलर ट्रेन में सीटों की कैंसिलेशन और भीड़ की स्थिति देखकर रेलवे स्पेशल ट्रेनों को चलाने की योजना बना सकती है। नए नियम का फायदा सबसे ज्यादा उन लोगों और छात्रों को होगा जो पढ़ाई और रोजगार के लिए दूसरे शहर जाते हैं। ऐसे में लोगों के पास टिकट बुकिंग के लिए अधिक विकल्प होंगे। 120 दिन के नियम में लोग 3-4 महीने पहले टिकट बुकिंग कर लेते थे और बाद में सफर से पहले प्लान कैंसिल होने पर टिकट कैंसिल करवा लेते थे। इस चक्कर में दूसरे लोगों को लंबी वेटिंग लिस्ट झेलनी पड़ती थी। अब नए नियम के बाद 1 नवंबर से लोग सफर से 60 दिन पहले ही टिकट बुक कर सकेंगे, जिससे कैंसिलेशन और रिफंड में सुधार हो सकेगा और इसकी मदद से लंबी बुकिंग अवधि का फायदा उठाने वाले टिकट दलालों को भी रोका जा सकेगा। इस फैसले के पीछे कई वजहें हैं, जैसे कि लोग अब ज्यादा सहजता से यात्रा की योजना बना सकेंगे, यात्रा योजना में बदलाव के अनुरूप टिकट बुक कर सकेंगे। ये नियम समान रूप से एसी और नॉन एसी की कैटेगरी पर लागू होंगे। यहाँ ध्यान देने की वाली बात यह है कि यह नया नियम पहले से बुक किए गए टिकटों पर लागू नहीं होगा। रेलवे के सूत्रों के अनुसार ये बदलाव इसलिए किए गए हैं ताकि यात्रियों को बहुत पहले से यात्रा की योजना बनाने में कोई परेशानी न हो और यदि ट्रेन रद्द होती है तो उनका समय और पैसा बर्बाद न हो। जिन ट्रेनों का एडवांस रिजर्व पीरियड पहले ही कम है उन पर नए नियम का कोई असर नहीं होगा। ऐसी ट्रेनों में गोमती एक्सप्रेस और ताज एक्सप्रेस जैसी गाड़ियां शामिल हैं। इन ट्रेनों में वर्तमान में अग्रिम आरक्षण के लिए कम समय सीमा पहले से ही लागू है। विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिन की सीमा के मामले में भी कोई बदलाव नहीं होगा। विदेशी पर्यटक पहले की तरह ही 365 दिन की समय सीमा में रिजर्वेशन करवा सकेंगे। कई लोग ऐसे होंगे जो दिवाली और छठ पर अपने घर अपने गांव जाने के लिए पहले से ट्रेन की टिकट बुक कर चुके होंगे। ऐसे सभी लोग जिन्होंने 31 अक्टूबर से पहले पुराने नियम के हिसाब से ट्रेन की टिकट बुक कर लिए या करते हैं उनकी यात्रा पर रेलवे के नए नियमों का कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले के नियम के मुताबिक जब कई लोग 3-4 महीने पहले ही टिकट बुक कर लेते हैं तो यात्रा की तारीख से 1 महीने पहले भी दूसरे यात्रियों को लंबी वेटिंग झेलनी पड़ती थी। इसलिए इस नए नियम के लागू होने के बाद यात्रियों के लिए यात्रा से कुछ दिन पहले भी टिकट उपलब्ध रहेंगे और टिकट के कैंसिलेशन और रिफंड से जुड़ी दिक्कतों में भी सुधार किया जा सकेगा। अब देखना होगा कि रेलवे की तरफ से बदले गए नियम के मुताबिक यात्रियों को कितनी सहूलियत मिलती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे punjabkesari.com। धन्यवाद।